हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट बच्चों, आइए आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी में आज मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ, रिवीजन करा रही हूँ मैं प्रश्न उत्तर का आपको, ठीक है। अभी तक हमने अभी सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आपको जैसे मैंने बताया था कि आपका सिलेबस स्कूल में रेडी है, जो बच्चे सिलेबस नहीं ले गए वो अपना सिलेबस ले जाएं स्कूल से आकर, और जो भी मैं रिवीजन करा रही हूँ उस वर्क को आप अच्छे से लर्न करते रहे, ठीक है। तो अभी हमने सभी चैप्टर्स के अलग अलग प्रश्न उत्तर रिवाइज करे थे, आज मैं आपको एक जगह कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उन प्रश्न को आप अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे इनको कॉपी नोट डाउन करके, ठीक है। नंबर वन क्वेश्चन है, किसकी दहाड़ सुनकर सोनू डर गया? बताओ किसकी दहाड़ सुनकर सोनू डर गया? यस, शेर की दहाड़ सुनकर। देखो ये हमने, ये है ना, हमने पढ़ा था ना हमने इस चैप्टर में, शेर की दहाड़ सुनकर सोनू डर गया। सोनू के सींग किस में फंस गए? सोनू के सींग, क्वेश्चन में सही देखा हमने, सोनू के सींग किस में की जगह क्या आएगा? झाड़ियों में फंस गए। सोनू के सींग किस में फंस गए? सोनू के सींग झाड़ियों में फंस गए, ठीक है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, काजल को वैन में कौन कौन मिलता है? काजल को वैन में मीरा और मिन्नी मिलते हैं, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन में से देखा, काजल को वैन में कौन कौन की जगह क्या लिखा? मीरा और मिन्नी मिलते हैं। नंबर फोर क्वेश्चन है, काजल को सुबह क्या करने की आदत है? काजल को सुबह सैर करने की आदत है, ठीक है। नंबर फाइव क्वेश्चन, पेड़ों के कटने से क्या होता है? फिर क्वेश्चन में से ही देखेंगे हम, पेड़ों के कटने से भारी नुकसान होता है, ठीक है। नंबर सिक्स, बकरी क्या चर रही थी? बकरी क्या की जगह क्या लिखेंगे हम? आंसर लिखेंगे क्या आएगा? चारा, बकरी चारा चर रही थी। नंबर सेवन, लोमड़ी को कितना समय कुएं में रहना पड़ा? लोमड़ी को बताओ कितना समय कुएं में रही थी वो? यस, लोमड़ी को रात भर कुएं में रहना पड़ा। नंबर एट क्वेश्चन है आपका, किस राजा के महल में चोरी हुई थी? बताओ किस राजा के महल में चोरी हुई थी? यस, राजा अकबर के महल में चोरी हुई थी। किस चीज की चोरी हुई थी? रानी के जेवर। नंबर नाइन क्वेश्चन है हमारा, बीरबल ने घड़े में क्या घोल रखा था? बताओ, बीरबल ने घड़े में लाल रंग घोल रखा था। नंबर टेन, दुकान पर किस प्रकार के फल मिलती हैं? दुकान पर ताजे व मीठे फल मिलती हैं। देखो मैं जो आंसर, बाकी का आप क्वेश्चन में से नोट डाउन करोगे, जो आंसर है मैं उसको आपको पॉइंट आउट करती जा रही हूँ, तो आप इसी तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न करेंगे। बच्चों मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो भी हम आपको रिवीजन वर्क करा रहे हैं, आप प्लीज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अब की बार आपका पेपर ऑप्शनल वाला नहीं होगा जैसे हर टाइम होता था, अब आपके पेपर प्रॉपर पूरे तरीके से होंगे, हो सकता है स्कूल में हो सकता है घर पर हो, ठीक है। लेकिन आपको फुल अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सेम वही पैटर्न, क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, सभी चीज, ठीक है। चलो नंबर 11 क्वेश्चन है, दोनों बैल एक साथ कहाँ जाते थे? दोनों बैल एक साथ चारे की तलाश में जाते थे। बैल खेत में पहुंचकर क्यों खुश हुए? खेत में हरे भरे पौधे देखकर बैल खुश हुए। बच्चे सैर के लिए कहाँ गए? बच्चे सैर के लिए चिड़ियाघर गए। देखो हमने क्वेश्चन में से लिखा, बच्चे सैर के लिए कहाँ की जगह? चिड़ियाघर गए। नंबर 14, कछुए ने मुंह से क्या पकड़ा? कछुए ने मुंह से क्या की जगह क्या आएगा? डंडा पकड़ा। गांव में कौन शोर मचाने लगे? गांव में कौन? बच्चे शोर मचाने लगे, ठीक है। बच्चों ये देखो मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, आप इनको नोट डाउन करने में, वो नोट डाउन कर दें और आप अच्छे से इनको डेली लर्न करें, डेली डेली 5-5 क्वेश्चन आप इनको पढ़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यही क्वेश्चन आंसर अब अच्छे से लर्न करनी है, एग्जाम की तैयारी में लग जाइए सभी बच्चे, ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।